हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। अच्छा, तो तुम बोलते भी हो। मुझे लगा था तुम बोल ही नहीं सकते। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है, काम करो। कब और कहाँ आना है मुझे मैसेज कर दो। और हाँ, ऑनलाइन ना 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देना। हम कुछ समझे नहीं। क्या रे शाने, देखो सब कुछ फ्री में चाहिए क्या? देख, पेमेंट में मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगी। सुमन जी, क्या दोस्ती करने के भी पैसे लगते हैं? दोस्ती का ना यहाँ कुछ और ही मतलब है। और तू तो ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। शाना बन रहा है ज्यादा। आप ही बता दीजिए ना दोस्ती का मतलब। दोस्ती का तो पता नहीं, पर हाँ, इधर जिस किसी ने भी आज तक कॉल किया है वो तेरी तरह यूं बहकी बहकी बातें नहीं करता। तूने अपना नाम क्या बताया? अभी तक आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं। तो अब बता दे। आयुष नाम है मेरा। आयुष? आयुष, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? दीवार पर पोस्टर देखा था, वहीं से लिया। सोचा चलो आपसे बात कर लूं। अच्छा ये बता, तेरे घर वाले कहाँ हैं? मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कॉल करने से पहले मैं बहुत नर्वस था, कहीं तुम भी मुझे दोस्त बनाकर कहीं छोड़ ना दो। वैसे सुमन, तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। क्या करोगे तुम मेरे बारे में जानकर? तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी तो हमारी दोस्ती कैसे होगी? वैसे ना तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम्हें कैसे पता? तुम जो लोगों से बातें कर कर उनका दिल जो बहलाती हो। शायद इसीलिए मैं अकेले ही रह गई। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं बनूंगा ना तुम्हारा दोस्त। वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं बहुत सुंदर हूँ? वो अब मैं कैसे बता सकता हूँ, खुद ही समझ जाओ। वैसे भी जिसकी आवाज इतनी प्यारी हो उसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि वो कितनी खूबसूरत होगी। क्या रे जाने, अब तू भी लाइन मार रहा है। पता है सुमन, मैंने किसी भी लड़की से इतनी बातें नहीं की। तुम पहली हो जो मेरी इतनी बातें सुन रही हो। क्या मतलब कि तूने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की? मेरा मतलब तूने आज तक किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया? कुछ का मतलब? अरे वही जो लड़का लड़की करते हैं। सही समझ रही हो। एक बार बता, तुझे लड़कियां पसंद तो है ना? कहीं कुछ और मामला तो नहीं है? क्या सुमन, तुम भी अब मेरी लेने लगी? मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था। उसका नाम सिया था। कॉलेज खत्म हुआ और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसे मैं अपने दिल की बात कभी बता ही नहीं पाया। ओ, फिर तो तेरा दिल टूट गया होगा ना? वैसे सिया के बाद कभी कोई और लड़की? नहीं, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात जान लो आयुष, मैं कभी भी किसी की दोस्त नहीं बन सकती। तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे एक दोस्त चाहिए था जो मुझे तुम में मिल गया। मेरा असली नाम सुमन नहीं है, मेरा असली नाम सिया है। हेलो 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 सिया, हेलो। क्या हुआ दोस्त, एक दोस्त को बाय नहीं कहोगे? कभी कभी ना किसी अनजान चेहरे में भी एक पुराना खोया हुआ दोस्त मिल जाता है।